साथियों, यहां जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको 2012 का आज से 11 साल पहले सपा का जो घोषणा पत्र है वो शायद आपको याद नहीं होगा। 2012 में सपा ने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है कि जैसा आरक्षण बाबा साहब आंबेडकर ने दलितों को दिया, वैसा ही आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। ये संविधान की भावना के खिलाफ है, ये बाबा साहब आंबेडकर की भावना के खिलाफ है, लेकिन हिंदी वालों को इसकी कोई परवाह नहीं। साथियों, एक और तरीका कांग्रेस ने 2014 से पहले खोजा, ये तरीका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करने का है। इसके लिए कांग्रेस ने रातों रात कानून बदल दिया, एक झटके में ही हजारों शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर दिया और पहले इनमें SC ST OBC को आरक्षण मिलता था, वो पूरा खत्म हो गया और मुसलमानों को आरक्षण मिल गया। दलितों, पिछड़ों, आदिवासी बेटे बेटियों के साथ इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। साथियों, इसका तीसरा तरीका इन्होंने ओबीसी के आरक्षण में डाका डालने का अपनाया। रातों रात ये मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर रहे हैं। अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने 77 मुस्लिम जातियों का ओबीसी आरक्षण खारिज किया है। मुस्लिम आरक्षण का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, बार बार कोर्ट में ये मामला इसलिए अटका हुआ है क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर लिख करके गए थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो तब बंटवारे के रूप में इसके परिणाम देख चुके थे। लेकिन वोट बैंक के भूखे ये सपा वाले, ये कांग्रेस वाले बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं ताकि मुसलमानों को आरक्षण देने का उनका जो षड्यंत्र है, SC ST OBC का आरक्षण छीन लेने का उनका जो षड्यंत्र है, उसको कोई अदालत में जाकर के चुनौती न दे सके।